तो देखिए आप ही भैया फोन किए थे ना, तो देखिए आपको कितना बड़ा कंफ्यूजन था कि अजगर का बच्चा है। हम आपको पहले सतर्क किए कि भैया अजगर मत समझे, क्योंकि उसके पीठ पे अगर गोल गोल सा बना है जिसका मतलब है कि वो रसल वाइपर, ये बहुत खतरनाक सांप है। और इसका जो काटने पे अगर 45 मिनट में अगर सुई आप नहीं ले पाए ना, तो बचने का संभावना बिल्कुल यहाँ के बराबर है। आप भी ग्लव नहीं पहनेंगे? नहीं पास आइए, देखिए इस सांप की खासियत, नीचे आइए नीचे आइए। देखिए इस सांप की क्या खासियत है कि ये जितने भी जहरीले सांप हैं उनमें इसका दांत सबसे बड़ा होता है। अरे यार ये तो देखिए कैसे छटपटाने के तलाश में ऐसे कर रहा है। तो देखिए हम दांत दिखाना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि दांत दिखाना बहुत रिस्क का काम है, मगर फिर भी आप लोग की जागरूकता के लिए दिखा रहे हैं कि भैया हर सांप को मामूली मत समझिए। इसका दांत देखिए दो मसगुड़े के अंदर एकदम सेफ्टी से रखा है, यही है कि धसाता तो तुरंत अंदर तक धस जाता है। तो इसीलिए कि सांपों के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए इस सांप की जो उम्र होगी कम से कम ये 5 साल से कम का नहीं है, और ये आराम से रह रहा छुप छुप के। और देखिए एक और बात, कहते जहर से मतलब है, ये इससे हम लोग डरते क्यों हैं, क्योंकि ये जहरीला है, जान ले सकता है। पर कभी हम ये सोचते हैं कि आखिर भगवान ने इसको जहर क्यों दिया है, कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई कारण होगा, तभी ना इसको जहर दिया गया है। तो इसका जहर जो है वो हमारा नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। जैसे चूहों की संख्या बढ़ रही है, मेढक की संख्या बढ़ रही है, गिलहरी बढ़ रही है, चीज़ें, तो उनको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि प्रकृति का हर एक सिस्टम जो है निर्धारित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा उसको कंट्रोल करने के लिए, तो हम सबको इनको संरक्षण देना चाहिए और मानना नहीं चाहिए और समझना चाहिए। जैसे ये भैया आजकल समझ रहे थे तो इनको ये कंफ्यूजन था, तो हमेशा सांपों की जानकारी रखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कि जहरीला है कि नहीं है। और सांप है तो हमेशा सतर्क रहे हैं, क्योंकि तो हमको कोई आइडिया नहीं कि जहरीला है कि नहीं, अच्छा है कि दूरी बनाए रखे हैं। और प्रकृति में जो भी चीज, हाँ हाँ ना इसको नहीं दिखाते, क्योंकि ये बड़ा एग्रेसिव सांप है, ये तुरंत काट लेता है। बाकी जो खोखला रहता है उसका दांत तोड़ देते हैं तो उसका शांत रहता है, पर इसका दांत तोड़ेंगे तो भी ये बड़ा रिस्क वाला है, ये तुरंत गुस्से में है, काट लेगा। तो आप सभी लोग को दिखाइए, बच्चे को भी दिखाइए। देखो बच्चे हैं और कभी भी सांप दिखे, देखो शांत रहो, सांप कभी भी देखे तो अपने घर पे बताना, ये नहीं कि बैट लेके उसको फेंकने लगा, ये सब मत करना, घर पे बताना, क्योंकि बड़ा खतरनाक है, इसके काटे पे आदमी की मौत हो जाती है। ठीक है, ठीक है भैया, आप लोग का बहुत बहुत आभार। ये है रसल वाइपर, देखिए इसको डाल देते हैं इसी में। देख रहे हैं अभी तक इसका इतना है कि अगर हाथ थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो तुरंत यहाँ मुड़ के इधर दसा देगा। तो देखिए ये जो स्नेक अभी हम लोग ने पकड़ा है, इसको हम लोग ने बिना कॉलोनी से लाया है, काफी दूर जाना पड़ा है, मगर हम इसके लिए चले गए क्योंकि बेचारा जिसके घर में था वो खुद नहीं जानता कि अजगर का बच्चा है या क्या है। इसलिए हमको लगा कि भाई किसी की भी जान है, अगर वो गलती से उठा ले अजगर समझ कर, तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे और उसको सेव किए। अब देखिए इसमें यहाँ हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ ये आराम से चला जाएगा। आइए इधर आइए, वो देखिए कितना फास्ट गया है अपनी प्रकृति आवास में, वो देखे सरसराते हुए चला गया।